एक 14 साल की लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरे ग्रैंडमा की डेथ कुछ 2 महीने पहले हुई थी। हम दोनों की ज्यादा जमती नहीं थी। वो एक मीन पर्सन थी, काइंड ऑफ अ लोनर। जब मैं 8 साल की थी तब मेरे मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। तभी मुझे मेरे दादी के पास सौंपा गया था। सो देयर वाज नो लवली डवली फैमिली वाली फीलिंग। बस वहाँ पे टीवी की आवाजें आती थी और बस साइलेंस। मैं ये सेंस कर चुकी थी कि शी हेट्स टू बी डिस्टर्ब्ड और मैं उनके लिए एक इनकन्वीनियंस बन चुकी थी। बहुत साल गुजर गए लेकिन फिर भी हमने एक दूसरे के साथ बहुत ही रेयरली बात की। मैं बस इतना वेट कर रही थी कि मैं इतनी बड़ी हो जाऊँ कि मैं अपना खुद का घर खरीद लूँ और फिर मैं अकेले रह सकूँ। जब मुझे रास्ते पे एक कैट मिली और मैं वो घर पे लेके आई तब वो बहुत ही ज्यादा अनप्लीज्ड हुई। मैं सेंस कर सकती थी कि वो कैट को बहुत ही ज्यादा हेट करती है। वो उस बिल्ली को स्टेयर करती रहती थी और मन में बहुत ही ज्यादा कर्स करती रहती थी। और एक दिन वो पूरे दिन के लिए अपने रूम के अंदर अपने बेड पे लेटी रही। मैं उनके रूम में गई और मैंने देखा कि वो वहीं पे लेटी पड़ी है विद हर आईज स्प्रेड वाइड ओपन एंड जस्ट लाइक दैट वो मर चुकी थी एंड शी वॉज गॉन। लेकिन अब वो पूरा अपार्टमेंट मेरा था और मेरी कैट का। एक बारिश की रात में मैं इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रही थी। मैं ब्राउजिंग करते हुए एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग पे आके पहुंची। वो ब्लॉग चाइनीज कस्टम्स के बारे में था। अपेरेंटली चाइनीज बिलीव्ड दैट कोई भी इंसान अगर वो मर जाता है तो वो वापस आ सकता है उसके मरने के बाद 49th डे पे कोई भी एक मैसेज लेके। और ये पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरी दादी के डेथ को 49 डेज हो चुके हैं और आज ही वो 49th डे है। और सडनली तभी मुझे लिविंग रूम से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी और ऑलमोस्ट तभी एग्जैक्टली तभी मेरे पूरे अपार्टमेंट की लाइट चली गई एंड आई वॉज लेफ्ट इन हॉरिबली डार्क कंडीशंस। इट वॉज ब्लैक आउट। मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि आवाज कहाँ से आ रही है ये मैं चेकआउट करने जाऊँ। मैंने देखा कि मेरी बिल्ली टीवी के ऊपर जाके स्टक हो चुकी है और तभी टीवी भी चालू होने लगा। टीवी पे स्नोफ्लेक्स की इमेज आ रही थी। धीरे धीरे टीवी पे जो इमेज थी वो क्लियर होने लगी और वो एक ऑरेंजी ह्यूमन टाइप की इमेज होने लगी और ऐसे लग रहा था वो इमेज मेरी तरफ कुछ चिल्ला के कह रही है गेट रिड ऑफ द कैट। एग्जैक्टली जो मेरी दादी अगर यहाँ पे होती तो मुझे कहती। ये सुनते ही मेरी बॉडी शेक करने लगी। मैं बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगी और ऑल ऑफ अ सडन मेरी बिल्ली उस टीवी से जंप मारते हुए मेरे पास आ गई। मैं मेरी बिल्ली को लेके जमीन पे कोलैप्स हो गई। मैं बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग कंडीशन में थी। मैं चिल्लाने लगी और जस्ट जब मैं फेंट होने वाली थी तभी पावर फिर से आ गई। हर जगह पे उजाला हो गया और उसी रात मैंने अपना अपार्टमेंट चेंज कर लिया। लेकिन आज भी जब वो चीज मुझे याद आती है मेरे शरीर के ऊपर कांटे उठ जाते हैं। चलो तो यारो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 10,000 लाइक्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक अकाउंट पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है और आने भी वाली है इस चैनल।